हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 29 नवंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। स्टूडेंट, डेली करंट अफेयर के साथ साथ इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके और स्टेट इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं। साथ ही डेली करंट अफेयर का क्विक रिविजन भी आप लोगों को कराया जाता है, बिल्कुल कम से कम समय में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की पूरी कोशिश की जाती है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक, क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्टूडेंट, क्लास के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी जिनके आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास का रिविजन कर लेते हैं। भारत को कितने वर्ष के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? 4 वर्ष के लिए। 37वां भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? हिंद महासागर में। नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत। किस देश में पहली बार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान हुई है? दक्षिण अफ्रीका में। आज की क्लास का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? मणिपुर में। भारतीय रेलवे मणिपुर के जीरी गांव से इम्फाल के बीच नोनी जिले में दुनिया का सबसे ऊँचा पियर ब्रिज बनाने पर काम कर रही है। यह 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल में है और चिलाहाटी बांग्लादेश में है। चिकन नेक किसे कहा जाता है? बिहार के किशनगंज को कहा जाता है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। मैप में आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। रेल बजट को आम बजट से किस समिति द्वारा अलग किया गया था? एकर्थ समिति द्वारा। और रेल बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश पर विलय किया गया था? विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर। लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। जयनगर और कुर्था रेलवे को किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और नेपाल के बीच है। भारत का 100% विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा है? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? 18। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि भारत का सबसे नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है। भारतीय रेलवे ने पहले पोर्ट होटल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया है? मुंबई में। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। हाल ही में भारत गौरव योजना नामक एक नई पहल की शुरुआत किसने की है? भारतीय रेलवे द्वारा की गई है। यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस राज्य ने साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वह साइबर तहसील बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? मध्य प्रदेश। इसमें भूमि के अविवादित नामांतरण के प्रकरण में तेजी से निराकरण किया जा सकेगा और इसमें तहसीलदार की नियुक्ति की जाएगी। डिस्कस कर लेते हैं आगे। हाल ही में न्यूज में रहा मध्य प्रदेश। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इंदौर जिले में स्थित पातलपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम टंट्या व्हील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय कर दिया गया है। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लगती है।
मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, तवा, ताप्ती, सिंध, केन, छिपरा, माही, वैनगंगा, पार्वती और बर्दा हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कुनू राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख अभयारण्य बोरी, राला मंडल, नूरा देही, रातापाली, गंगौ और करेरा अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? फ्रांस से। फ्रांस से 2 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे हैं। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश का है? अमेरिका का। मल्टी रोल MS-60R हेलीकॉप्टर भी अमेरिका का है। इंद्रजाल क्या है? तो स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। MiG-29 एक रूसी लड़ाकू विमान है। MiG-20 वाइसल सुपरसोनिक एक लड़ाकू जेट विमान है। आगे देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। राफेल का निर्माण किस कंपनी ने किया है? डसॉल्ट, जो कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। राफेल भारत में कहाँ से शामिल हुआ था? अंबाला से। Sukhoi-30MKI यह बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। हाल ही में सैन्य संचार उपग्रह Syracuse 4A किस देश ने लॉन्च किया है? फ्रांस ने। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मैप में आप लोग देख सकते हैं। फ्रांस की मुद्रा यूरो है और फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा करेंगे? रूस के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले यह सम्मेलन 2019 रूस में हुआ था। इसका उद्देश्य पारस्परिक हितों के अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करना है। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन से देश की सहायता से किया जा रहा है? रूस की सहायता से। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति देश कौन सा है? तो रूस है। भारत और रूस किन संगठनों के सदस्य हैं? ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन के। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो ये हाल ही में रूस के द्वारा शुरू की गई है। भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस के साथ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। ब्रह्मोस का नाम दो हिस्सों में है, ब्रा और मोस से बना है। ब्रा यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और मोस यानी कि रूस की मोस्कोवा नदी है। यह दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। आगे डिस्कस कर लेते हैं रूस के बारे में। यह है मैप में रसिया। रसिया की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। यात्रा जनवरी 2022 को शुरू होगी, लिहाजा इस योजना के तहत तीर्थ स्थलों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 15।
डिस्कस कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल। भगवान जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। काशी विश्वनाथ बनारस में है। द्वारकाधीश द्वारका में है। अमरनाथ श्रीनगर में है। हरमिंदर साहिब अमृतसर में है। ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है, सॉरी, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल वेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? मेक माई ट्रिप ने। डिस्कस कर लेते हैं मेक माई ट्रिप के बारे में। स्थापना 2000 में हुई थी, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि गुरुग्राम हरियाणा में और कौन सा हेडक्वार्टर है। मेक माई ट्रिप के संस्थापक और समूह कार्यकारी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दीप कलारा है। उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद आम लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा देना था। डिस्कस करेंगे स्पेशल डोज फॉर एग्जाम। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? मुंबई में। लखनऊ एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। माना एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जो कहाँ पर है? रायपुर छत्तीसगढ़ में है। अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है। अकाशा एयरलाइन को किसने स्थापित किया है? राकेश झुंझुनवाला ने। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नासिर कमल है। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां से प्रारंभ हुई है? हिसार से चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सेना प्रमुख किस शहर में सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का अवलोकन किया है? जैसलमेर राजस्थान में। पिक में आप सेना प्रमुख MN नरवड़े को देख सकते हैं। इस युद्ध अभ्यास में सेना और वायुसेना ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पंखों के बीच सर्वोत्तम समन्वय स्थापित करना है। डिस्कस करेंगे आगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। नए वायुसेना प्रमुख कौन है? VR चौधरी है। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। देश के पहले CDS कौन है? जनरल बिपिन रावत है। हाल ही में मालदीव, भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया? श्रीलंका के साथ। मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल साइन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण किया है। पिक में आप लोग देख भी सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। हाल ही में किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। नेहरू का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिप लाइन है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि भारत और चीन के बीच सीमा का क्या नाम है। हाल ही में किस देश ने लॉन्च मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गायोफेन 11 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान ने भारत को किस देश में 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन की अनुमति दी है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत को बाघा भूमि सीमा के माध्यम से भारत से अफगानिस्तान में 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन की अनुमति दी है। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की पेशकश की है। डिस्कस कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। भारत द्वारा अफगानिस्तान में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? सलमा और सैतूस बांध। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा अफगान रुपया है।
अफगानिस्तान की संसद को सूरा कहा जाता है। खेवर दर्रा कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमेट नदी है। और हिंदू कुश पर्वत कहाँ पर है? तो ये भी अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए जिसे हाल ही में मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना द्वारा सेवाओं में शामिल किया गया है, बेला। भारतीय नौसेना ने INS बेला को शामिल किया है जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित भारत की चौथी स्टील स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इस पोत का निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया था। INS कलवरी, खंडेरी, करंज अन्य तीन स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं जो नौसेना में शामिल की गई हैं। पिक में आप लोग बेला को देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं आगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? INS विराट को। INS विराट को किस देश से लिया गया था? UK से। सागरिका क्या है? भारत की पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। INS विक्रांत क्या है? विमान वाहक एक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने अरुण जेटली स्टेडियम में कर्नाटक को हराकर नागेश ट्रॉफी राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा संस्करण जीत लिया है। पिक में आप लोग देख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बारकले है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाल ही में किस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर वह इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर एवं T20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? महमूदुल्ला रियाद ने। अब डिस्कस कर लेते हैं डेली स्टैटिक GK का डोज सेट 3। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जिनेरो में। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? छिप्रा नदी के किनारे। गोबर गैस में मुख्य रूप में से क्या पाया जाता है? मीथेन। अब कुछ क्वेश्चन जो कल की क्लास में मैंने आपसे पूछे थे उनके आंसर एक बार देख लीजिए। लेखिका अनामिका को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए। बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने। भारतीय मंदिरों में कौन सी विशेषताएं मिस्र के मंदिरों के पाइलंस जैसी दिखती है? गोफुर। 1893 में गणेश महोत्सव किसने शुरू किया था? लोकमान्य तिलक ने। ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? परुष्णी नदी पर। राउत नाच किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इन सब के आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में।
अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।